you can't compare Tom Cruise to anyone. The plot is really good. Tom Cruise is amazing as always. And it's just really great. You don't feel bored at all in the whole movie. Tom Cruise की बात करें, Tom Cruise ने जो stunt किया है इसमें, जो पहाड़ वाले हैं, वो जबरदस्त लगा. It is a very good storyline. और ये एक part one है, इसका part two भी आएगा. तो ये अच्छी बनी है. Yeah, obviously it's surprise. It's every time Tom Cruise come to the screen, we just wait for it and it's always yeah. Indian audience has started liking Hollywood films. So yes, it will definitely cross the 100 to mark. The cliff scene was the best. Turns were better this time, and the story is mainly that keeps you. Yeah, he's 53 or 4, like, but still that gives you the kick and that jump we have been seeing in all YouTube and shorts. It was up to the mark. And sir, zabardast, अच्छी लगी, मजा आ गया देख के. Sir, action zabardast है Hollywood में. तो बॉलीवुड में भी वही आना चाहिए था सर. देखो टॉम क्रूज जैसे अभी बात करें तो अभी किसी का मतलब ऐसा बोल नहीं सकते कि स्टंट वाइज हो गया, ऋतिक हो गए, बहुत सारे जितने जने जो कर सकते हैं. टॉम क्रूज ही जंप्ड ऑफ अ क्लिफ, सो इट्स रियली ग्रेट. एंड यू नो ऑल द ट्रेन सीन्स, द एंडिंग इज रियली अमेजिंग ऑफ द मूवी. एंड वी आर वेटिंग फॉर पार्ट टू नाउ नेक्स्ट ईयर अ लॉट, बिकॉज़ इट्स एन एक्शन फिल्म. एक्शन फिल्म्स यूजुअली डू वेल, सो या आई गेस पीपल विल लाइक इट. मुझे अच्छा लगा इसमें, एक्शन बहुत अच्छा था और काम सबका बहुत अच्छा था. एक नई इसमें एक्ट्रेस है, उसका काम भी बहुत अच्छा था. शी इज़ द वन. अब उसमें उसके अंदर मैं आपको मतलब इसका वो नहीं बता सकता इसमें मतलब सस्पेंस क्या है, पर इट इज़ अ वेरी गुड स्टोरी लाइन. और ये एक पार्ट वन है, इसका पार्ट टू भी आएगा. तो ये अच्छी बनी है. या वी कैन लेट्स सी, जवान इज कमिंग, वी आर वेटिंग फॉर इट. इट्स अ नाइस फिल्म. यस, अ वेरी बिग टॉम क्रूज फैन. आई मीन इट्स अ नाइस. It's a nice thing. You can trust on that. इसका लेवल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अच्छा इसके अंदर इसने किया है और सबका काम बहुत अच्छा है. ये पिक्चर इंडियन ऑडियंस को 100% पसंद आएगी, क्योंकि एक तो टॉम क्रूज का भी क्रेज़ है लोगों में, और दूसरी बात यह है कि ये जो फ्रेंचाइजी है बहुत ही हिट पहले से रही है, तो लोग उसका वेट भी करते हैं. और इसका एक एक्शन सीक्वेंस बहुत बहुत पॉपुलर हुआ है जो क्लिफ से है, तो उसका भी वेट करते हैं लोग कि भाई वो किस तरह से किया है. तो वो बहुत अच्छी तरह से पूरा बना गया. फुल एक्शन मूवी और बहुत चलेगी मूवी. सर ज़बरदस्त चलेगी, टॉम क्रूज है ना सर. देखो मैं तो एक्शन के साथ में जो टॉम क्रूज का स्टंट रहता है, स्टंट ही देखना चाहता हूँ टॉम क्रूज के लिए मैं तो. उससे बेटर ही है जो मतलब अपडेट वर्जन है इसका, तो मुझे तो अच्छी लगी सर. एक्शन सीक्वेंस होगा. आई डोंट थिंक इंडियंस कैन डू दैट. या जेम्स बॉन्ड हैज अ सिमिलर. नो वन नहीं. डायरेक्शन जबरदस्त है, अच्छा है सर. डायरेक्शन में इंडियन ऑडियंस को पसंद आएगी, चलेगी सर. क्या कहते देखो बॉक्स ऑफिस में और कोई पिक्चर तो है ही नहीं इंडियन जोन्स के अलावा, ये दूसरी फिल्म है जो है, और बाकी कोई है नहीं, तो ये चलेगी सर. इस मूवी को मैं 4 रेटिंग्स दूंगा. 4.5 4.9 आई विल गिव इट 5 इफ आई हैड टू रेट इट. इट्स 4.5 यस.